फिल्म स्ट्रीट की कहानी एक चुड़ैल के बारे में है जो हर साल पूजा के रात शहर में आती है और मर्दों को मारकर सिर्फ उनके कपड़े छोड़ जाती है। ये फिल्म बेंगलुरु के पास घटी एक अर्बन लेजेंड की घटनाओं पर आधारित है। 1990 के दशक में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की एक गाँव में रात को आदमियों की अनजान तरीके से मौत होने लगी। धीरे धीरे लोगों की गायब होने की संख्या बढ़ने लगी और इसी के साथ बढ़ने लगी चुड़ैल की अफवाह। लोगों का मानना था कि एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल रात में शहर की गलियों में घूमती है। ये चुड़ैल मर्दों की तलाश में रहती है। वो रात में लोगों के घर जाके दरवाजा खटखटाती थी और प्यारी आवाज में घर के मर्द को आवाज देती थी। ये आवाज मर्दों की माँ या पत्नी या फिर किसी परिचित लोगों की होती थी। इस आवाज को सुन के यदि मर्द दरवाजा खोल देता था तो वो चुड़ैल उसे अपनी वश में करके कहीं दूर ले जाती थी और मार देती थी। ये अफवाह शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग डरे हुए रहते थे और उस चुड़ैल की आतंक इतना बढ़ गया कि लोग शाम होने के बाद ही अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। उसके बाद लोगों ने चुड़ैल से बचने का एक तरीका सोचा। लोग अपने घर के सामने डोर पे नालेबा लिख देते थे। नालेबा का मतलब हिंदी में होता है कल आना। ऐसा माना जाता था कि नालेबा पढ़ने के बाद वो चुड़ैल वापस लौट जाती थी और अगले दिन आती थी, फिर से नालेबा लिखा देख वापस लौट जाती थी और ये साइकिल कंटिन्यू होता गया। फिर धीरे धीरे ऐसी घटनाएं होना बंद हो गई। हालांकि आज तक इस अफवाहों का कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन आज भी कर्नाटक के कुछ हिस्सों में 1 अप्रैल को नालेबा डे मनाया जाता है।